अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के एडमिशन 2025 अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसका एडमिशन स्केड्यूल के बारे में बताया जाएगा और इसके पास पेपर के अलावा और इसकी इंटीट्यूट प्रिपरेशन के हवाले से भी बताया जाएगा और लास्ट में मॉक टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को इंटर लाजमी देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे पाकिस्तान की कोई भी स्कॉलरशिप या किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आती है या कोई भी जॉब आती है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो इनका मेन कैंपस है खैरपुर, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि बीएस प्रोग्राम, सीएसआईटी, बीएस कॉम, ठीक है, बीबीए डिपार्टमेंट या बीएड फार्मेसी एलएलबी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो बीएस प्रोग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट जो फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है, सिंधी एंड उर्दू आ जाते हैं डिपार्टमेंट। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, बीएड 1.5 ईयर्स एंड बीएड 2.5 ईयर्स डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ में शहीद रफ़ार अली भुट्टो स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए अकाउंटिंग फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मेसी एंड जूलॉजी। फार्मेसी एंड एलएलबी ये 5 ईयर्स के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेरिकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैटिक्स, ये डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की अगर बात करें, जिसमें इकोनॉमिक्स, आईआर, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, सोशोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, ये डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बीएस पार्ट 3 या फिफ्थ सेमेस्टर एडमिशन या थर्ड ईयर एडमिशन की बात करें, तो उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट लैंग्वेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी, उर्दू है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बीबीए कॉमर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आर्कोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाते हैं। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, मीडिया स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसमें आप फिफ्थ सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें कैंपसेस की, जो कि घोटकी एंड शाहजहांपुर में है, वहाँ पे आप बीएससी बीबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट, इन तीन डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पर ये तीन डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि सर मॉक टेस्ट क्या है, ठीक है। देखो पास पेपर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना, आपकी क्वेरी क्यूरियो तो वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। आपको पूरी करियर गाइडलाइंस फॉर्म से दी जाएगी आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है या फॉर्म में कोई इशू आता तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक। तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा आपके लिए, आई थिंक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पहले की अब कोई मॉक टेस्ट नहीं करा था, आपको आइडिया हो जाएगा कि एंट्री टेस्ट कैसे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एंट्री में फेल हो जाते हैं, ठीक है, फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि एंट्री टेस्ट कैसी आती है। तो आप पहले से अगर मॉक टेस्ट दे चुके हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से आती है, तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें। अब उसके अलावा मैं पास पेपर एंड मटेरियल भी शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो लाजमी से व्हाट्सएप ग्रुप पर लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं कि सर देखो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म बहुत ही इजी है, ठीक है, और फिर भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स आए, ठीक है, इस वीडियो के नीचे कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बना दूंगा अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो मैं उसको रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन लाजमी कीजिएगा कि अप्लाई ऑनलाइन पे मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। फॉर्म वैसे बहुत ही इजी है फिल करना इसका, इसलिए मैं सोच रहा नहीं बनाऊं, बट आपकी क्यूरीज आई तो मैं बना दूंगा इस पर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध प्रोविंस वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसने अपनी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कम्प्लीट कर ली है 2021 से लेकर 2024। अब ये क्या है,
अगर किसी स्टूडेंट ने 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, 2022 में, 2023 में, 2024 में, तो वो अप्लाई कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर जो प्रोविंस है उसका भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिजर्व सीट्स पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि अगर आपकी 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट है तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 60% होना लाजमी है, ठीक है। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर हम LLB डिपार्टमेंट की हम बात करें तो आपने जो कि HSC कंडक्ट करती है टेस्ट, लेट लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 50+ मार्क्स होना लाजमी है, अगर हुई तो आप एडमिशन LLB में ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट थ्री या फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन लेना चाहता है या MBA में लेना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस स्टूडेंट ने अपने 2 साल कंप्लीट किए बैचलर के या AD की है 2019 से लेकर, मतलब 2019 वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, 20, 21, 22, 23 जो सब स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 50% मार्क्स या 2 CGPA अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं इन फिफ्थ सेमेस्टर। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो स्टूडेंट BS, MA, MCOM, MBA में अप्लाई करना चाहता है तो उसके 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होना लाजमी है, ठीक है। उसके अलावा आप 16 ईयर्स एजुकेशन जिसकी कंप्लीट है वो 1.5 ईयर्स MBA प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो इंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्री एंट्री टेस्ट लाजमी से होगी, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप व्हाट्सएप लाजमी से ज्वाइन कीजिए, बाकी कुछ भी आपको डिटेल इनकी जानी है तो इनका प्रस्पेक्टस लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी जो है ना ये PDF में शेयर कर दूंगा प्रस्पेक्टस। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहो तो ये लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी 2500 रुपीज़ इनका जो है चालाना वाउचर है, ठीक है, जो कि HPL कनेक्ट या HPL बैंक में आप डिपॉजिट करा सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आप ऑनलाइन पे कर दिया चालान वो एज ए डॉक्यूमेंट तौर उसको अपलोड भी करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर लेते हैं। बाकी आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे अपलोड करने हैं। बाकी अगर आप फिज़िकल देना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल के आप डॉक्यूमेंट शेयर करके विद टू रिसेंट फोटोग्राफ सेंड कर सकते हो, बट आई रियली रिकमेंड यू कि आप उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करें, ठीक है। बाकी कोटा सिस्टम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म के अंदर ही कोटा का होता है ऑप्शन, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो उसका कोई और एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं होता है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ऑफिस से बात कर सकते हैं, इनका यहाँ पे नंबर गिवन है। उसके अलावा अगर हम बात करें एडमिशन स्केड्यूल के बारे में कि इसके जो टेस्ट है वो कब होगा और इसका जो लास्ट डेट क्या है, तो आपकी जो इनका जो फॉर्म है वो 16 सितंबर से अनाउंस हो चुका है और लास्ट डेट इनकी 15 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर डेट एक्सटेंड हुई तो ग्रुप में मैं बता दूंगा, ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी एंट्री टेस्ट होगी इनकी 7 नवंबर को इनकी एंट्री टेस्ट होगी और इनकी क्लासेस वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सब कुछ डिटेल थी शाहब्द लतीफ़ यूनिवर्सिटी कैनपुर के एडमिशन 2025 की रिगार्डिंग। बाकी कोई भी क्यूरी तो कमेंट कमेंट कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाकी और भी मज़ीद इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ आने वाली है, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।